नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजीमा का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2023 का कैलेंडर आयोग ने जारी कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा वेबसाइट से आके उनकी, और जो मैंने वीडियो बनाया है वह एक एक्सप्लेन करते हुए का आधे घंटे का वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो है, आपने उसे देखा होगा। लेकिन आज का वीडियो हम यूपी पीसीएस के बारे में नहीं, हम आरओ की बात करेंगे, आरओ एआरओ की बात करेंगे। पिछले 3 महीने से आरओ आ रहा है, यही चल रहा है। कुछ बहुत बड़े यूट्यूब चैनल वाले, कुछ छोटे वाले भी लगातार आरओ आ गया, आरओ आ रहा है, आरओ आ, पढ़ लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, अरे यही लगा पड़ा हुआ है। अब क्या है, आरओ वालों को इतना ज्यादा, हर स्टूडेंट मुझे फोन करता है कि सर आरओ कब आ रहा है, आरओ कब आ रहा है। इतने बार मैंने रिप्लाई किया है कि अगर मैंने भोलेनाथ को भी याद कर लिया होता इतने बार तो प्रकट हो जाते। इतने लोगों ने मुझे सवाल किए हैं, चाहे कमेंट में हो चाहे फोन करके हो। तो मैंने कहा चलो यार वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि मैं भी इस कैलेंडर का वेट कर रहा था। ठीक है, अब वो आ गया है तो उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा आप लोगों को क्या है। देखिए साहब, दो चीजें, आरओ पिछले ना लगभग दस साल होने वाले हैं आयोग मेरे ना संबंध रहे हैं, मतलब एज अ स्टूडेंट और एज टीचर भी है, तो मैं आयोग को कुछ समझता हूं कि वो क्या करेंगे। दो तीन चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझिएगा उसे। ठीक है, पहले चीज समझिएगा, 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, लोकसभा चुनाव। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है चुनाव से पहले चाहती है कि बड़े एग्जाम कराए, जिससे कि एक वो इंप्रेशन बने कि हाँ भाई ये पार्टी जो है वो नौकरी देती है। ठीक है, तो आपके जितने भी चुनाव थे, जितने भी एग्जाम्स होंगे, वो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 की तरफ ज्यादा जाएंगे। यही कारण है कि कमीशन यहां पे देखिए कितने सारे जो डेज हैं वो आरक्षित करके रखी हुई है, रिजर्व करके रखी है, बट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। सेकंड हाफ में है, जितने भी हैं मई के बाद में है, कुछ इधर भी हैं, लेकिन यहां से ज्यादा आप यहां देखोगे, यहां अब अमन वो मेंस वाले पेपर, एक प्रारंभिक परीक्षा है, लेकिन अमूमन सब मुख्य परीक्षा ही है इसके अंदर। ठीक है, नई परीक्षा यहां पर होंगी इसके अंदर। कहने का मतलब क्या है कि मान लो आरओ एक दो महीने के अंदर हो जाता है, जून जनवरी फरवरी में हो जाता है, इससे क्या सरकार को फायदा है, क्योंकि एक साल में सब लोग भूल जाएंगे। सरकार ने क्या रखा हुआ है कि भाई एक काम करते हैं, लास्ट में जाके कराएंगे एग्जाम, चुनाव से कुछ 2-3 महीना पहले करा देंगे, उसमें लोगों को याद रहेगा कि हाँ बड़ा पेपर करा दिया। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है, जहां आपका पेपर दिसंबर में जाके होगा, दिसंबर 2023 के अंदर, ये मुझे लगता है, यानी कि आपका पेपर समहाउ यहां पर होना चाहिए। ठीक है, चुनाव से कुछ दिनों पहले, चुनाव आकर मई में 2024 में, दिसंबर में होना चाहिए। एक और भी कारण है जो बहुत टेक्निकल है। आप देखो, अब यार ऐसा तो नहीं ना कि आरओ का फॉर्म तुरंत आ गया और तुरंत रातों-रात निकल जाएगा। अरे फॉर्म आएगा, भरा जाएगा, पेपर होगा, ड्यूरेशन 2-3 महीने 4 महीने का समय लगता है, 3 महीने का समय तो लगता ही है ना। अब हम जनवरी में है, ठीक है, जब वीडियो जनवरी में बन रहा है, जनवरी में है, अगर आज भी फॉर्म निकलेगा तो उसको होने में, प्रोसेस होने में, एग्जाम कराने में अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, मान रहे हैं अप्रैल हो रहा है। अब अप्रैल में अगर आपका आरओ हो रहा है तो पीसीएस प्री कब होगा आपका, मई में, 14 मई अप्रैल में आरओ और मई में आपका पीसीएस, लगता कि फिजिबल है या ये? दो बड़े एग्जाम्स क्या आयोग कराना चाहेगा, एक साथ ओवरलैप करेगा? मुझे नहीं लगता, सीरियसली मुझे नहीं लगता कि आरओ का पेपर पीसीएस के साथ इतना क्लोजली आएगा। अच्छा, फिर क्या है, आपका सितंबर देख लेते हैं, सितंबर में पैट वगैरह होता है, सितंबर में मेंस भी है आपका, ठीक है, तो वो भी नहीं कराएगा क्योंकि पैट भी बड़ा एग्जाम है, ज्यादा लोग देते हैं इसके अंदर, बड़ा एग्जाम तो नहीं, ज्यादा लोग देते हैं। जो मुझे लगता है कि हमेशा से दिसंबर का टाइम ज्यादा सुटेबल करता है, क्योंकि आप देखो यार सितंबर के बाद चीजें खाली हैं, कोई बड़ा एग्जाम नहीं हो रहा है, सिर्फ मेंस है, उसके बाद ये वन अधिकारी वाला है, कोई पेपर नहीं आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा खाली है इसके अंदर, तो किसी दिन भी आपका आरओ हो सकता है। तो जो ये लोग बोल रहे ना कि आरओ 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 आरओ, भैया शांत हो जाओ, भेड़िया आया वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात करो। ठीक है ना, थोड़ा सा देखो कि मुझे लगता है कि हाँ अपने आप भगवान ने चाहा कि हो गया, उनकी बात सच निकल गई अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि चुनाव से पहले होता है और वो क्लैश करेगा पीसीएस के साथ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो निकट में होने वाला है, होगा दिसंबर में होगा, ये बात मैं बहुत पहले कहते चला आ रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा करें क्या भाई, देखो जो लोग सिंसियर लोग होते हैं ना, तैयारी करने वाले लोग, वो तैयारी कर रहे होते हैं, वो रोज की रोज उठ के वो यही नहीं देखते कि आरओ का फॉर्म आ गया, आरओ का पेपर आ गया, ये नहीं, ये कुछ नहीं। ठीक है,
तैयारी करते रहिए, जब आना होगा आ जाएगा, अभी आ रहा है, 6 महीने बाद आ रहा है, 1 साल बाद आ रहा है, जब होना हो जाएगा। आप अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई कैसे करोगे? यूपी पीसीएस और पीसीएस प्री और आरओ का प्री लगभग एक जैसा ही होता है, लगभग एक जैसा होता है, हिंदी आ रहा होती है आरओ के अंदर, मानता हूं, ठीक है, लेकिन जीएस तो लगभग ऐसी होती है। तो आप अपने आपको पहले पीसीएस प्री पर फोकस करो, ठीक है। अगर पेपर आरओ पहले आ गया कोई बात नहीं, आपकी तैयारी हो रखी होगी। बाद में होता है तो भी पीसीएस प्री तो आपने पढ़ ही लिया ना, तो आरओ तैयारी अपने आप हो गई है। तो आप अभी आरओ और पीसीएस प्री को अलग अलग मत करो, दोनों को मर्ज करके पढ़ाई करो और आप देखोगे कि दोनों तैयारी हो जाएगी। और बहुत संभावना है कि दिसंबर से पहले आपका आरओ का पेपर होगा नहीं। बहुत डिस्टर्ब मत होइए, ये दुनिया बहुत बस गाने गाते रहती है, रोज सुबह उठकर शॉर्ट्स और वीडियोस चलते हैं, ये देख लो वो आरओ आ रहा है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, मत इस सब चीज को चक्कर फंसिए। फोकस कीजिए पढ़ाई के ऊपर, धीरे धीरे अपने को बिल्डअप कीजिए और जब आना होगा चीजें आ जाएंगी और एग्जाम हो जाएगा। ऐसा नहीं रातों रात सब आके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आराम से 2-3 महीने 3 महीने का समय रहेगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, आप मुझे कॉल कीजिए, नंबर मैंने दे दिया है, कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।